हाँ तो साथियों, महारानी वीरांगना अवंती बाई का आल्हा आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप सभी आनंद लीजिए और शेयर करें, लाइक करें और अपना आशीर्वाद दें। सुने आप मात शारदा को सुमरण कर श्री गणेश खो शीश नवाए, घट घट के बासी कैलासी बोले शंकर लो मनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वामी रामचंद्र जू करो सहाय, वीरों में बजरंगी सुमरो कलियुग के सम्राट कहाय, वीरों में बजरंगी सुमरो कलियुग के सम्राट कहाय। गाँव के सब दई देवता सुमरो मेरी आकर करो सहाय, क्षेत्र घोड़ो आना की गाथा भैया सुनियो कान लगाए, सिवनी जिला ग्राम मन कहड़ी के जमींदार थे जुझार सिंह राव, राम भक्त और जन सेवक थे भैया जिनका सील स्वभाव, राम भक्त और जन सेवक थे भैया जिनका सील स्वभाव। जय हो सन 1831 में 16 अगस्त की है बात, राव जुझार सिंह के घर में आए खुशी के दिन और रात, जन्म लए बेटी ने घर में द्वारे बाजन लगी बधाई, गांव पुरा के सब जुड़े आए रख दो नाम अवंती बाई, गांव पुरा के सब जुड़े आए रख दो नाम अवंती बाई। तो देखिए आप, राव जुझार सिंह के घर में एक बेटी का जन्म होता है और अवंती बाई नाम रखा गया उनका। पलना झूली अंगना खेली धीरे धीरे बड़ी भैया, चलन फिरन जब लगी अवंती तब पड़वे खाई पहुँचाए, 5-7-10 साल बीत गए उम्र हो गई 12 साल, पढ़ लिख के होशियार हो गई पढ़न लगी रामायण आल, पढ़ लिख के होशियार हो गई पढ़न लगी रामायण आल। और देखिए आप, अवंती बाई जी को जन्म से ही रामायण और आल्हा पढ़ने का बड़ा शौक था। और सुने, तीर और तलवार चलाना बचपन में ही सीख लिया, सीख गई बंदूक चलाना ढाल अड़ाना सीख लिया, घोड़सवारी घोड़ा की करवे रोज रोज अभ्यास किया, संग पिता के जंगल जाकर शेरों का शिकार किया, संग पिता के जंगल जाकर शेरों का शिकार किया। महारानी अवंती बाई को घोड़सवारी करने का, तीर तलवार चलाने का जन्म से ही शौक था। अरे यहाँ की बातें यहीं छोड़ दो अब आगे के सुनो हवाल, ब्याह योग अब भई अवंती हो गई उम्र 18 साल, राव जुझार सिंह ने तुरतई नाऊ बामुन लिए बुलाए, करने हैं बिटिया की शादी योग सुगर वर ढूंढो जाए, करने हैं बिटिया की शादी योग सुगर वर ढूंढो जाए। हो वहां से चाले नाऊ बामुन गावन गावन देखा जाए,
क्षेत्र गोड़वाना में पहुँचे, राज रामगढ़ पहुँचे जाए। वहाँ के राजा लक्ष्मण सिंह थे, जिनका था एक राजकुमार, विक्रमादित्य नाम उसका था, था वो रूपवान होशियार। विक्रमादित्य नाम उसका था वो रूपवान होशियार। और रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह, जिनके पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से शादी तय होती है, और क्या हुआ, दो ही पक्ष भय ब्याह खोराजी, तब राजा ने दिया सुनाए, जल्दी देखो लगन ब्याह की, बर बिटिया की रास मिलाए। देख पत्रा पंडित बोले, राजन सुन लो कान लगाए, पावन पर्व महाशिवरात्रि की शोभा और दई बताए, पावन पर्व महाशिवरात्रि की शोभा और दई बताए। हाँ जय हो। कछु दिन बाद समय वो आया, और ब्याह की शुभ घड़ी आई, दूल्हा बन के आए विक्रमादित्य, दुल्हन बनी अवंती आई, चढ़ बरात आई दोरे में, मन कहड़ी में खुशियाँ छाई, भात भात के बाजे बज रहे, दोरे बाज रही सहनाई, भात भात के बाजे बज रहे, दोरे बाज रही सहनाई। जय हो। भात भात व्यंजन बनवाए, रुच रुच भोजन दे करवाए, मंडप ने छे परिवार, नेंग चार सब दे करवाए, कन्यादान ले बिटिया के, और ले हैं चरण पखार, गले मिले फिर समधी जू से, गलती क्षमा करो सरकार, गले मिले फिर समधी जू से, गलती क्षमा करो सरकार। ऐसे महारानी अवंती बाई का ब्याह हुआ, और देखिए आप, विदा हो करके अवंती बाई जाती हैं रामगढ़ को, अरे कर दई विदा पहुँच दया, सू बेटी डोली दई बिठाए, चली बरात विदा हो करके, और रामगढ़ पहुँची आए। आज रामगढ़ खुशियाँ छाई, दुल्हन डोली लई उतराए, जैसो ब्याह भयो सो भैया, हमने तुम खा दियो सुनाए, जैसो ब्याह भयो सो भैया, हमने तुम खा दियो सुना। ये बात उस समय की है, जब पूरा भारत अंग्रेजों के पंजे में जकड़ा था, और एक ऐसा समय आया, सुनिए आप, सन 1850 में लक्ष्मण सिंह गए स्वर्ग सिधार, राजकुमार विक्रमादित्य को अब सिंहासन दिया बिठार, राजा विक्रमादित्य बन गए, रानी बनी अवंती बाई, राजकाज सब बढ़िया चलवे, सब प्रजा में खुशियाँ छाई, राजकाज सब बढ़िया चलवे, सब प्रजा में खुशियाँ छाई। और महाराजा विक्रमादित्य अवंती बाई बढ़िया राज चला रहे थे, लेकिन हुआ क्या, समय बदलते देर न लगती भैया, समय बड़ा बलवान, अंग्रेजों ने देखा इनका बढ़ता हुआ मान सम्मान, अल्प वयस्क पता कर उनको सिंहासन से दिया उतार, इसी गम को झेल न पाए और राजा हो गए बीमार, इसी गम को झेल न पाए और राजा गए स्वर्ग सिधार। और देखिए आप, इस प्रकार से महाराज विक्रमादित्य
रानी अवंती बाई ने जब कूटनीत उनकी जानी, सीने में जल उठी ज्वाला बदला लेने की ठानी। लाल लाल नैना कर ली ने बन गई दुर्गा महारानी, हाथों में तलवार उठा ली धन धन लोधी छत्राणी, हाथों में तलवार उठा ली धन धन लोधी छत्राणी। हाँ, इस प्रकार से जब महारानी ने समझ लिया कि ये षड्यंत्र है, तब महारानी ने देखिए क्या किया। अरे अंग्रेजों के जो थे पिट्ठू उन्हें राज से दिया निकार, करने लगी स्वयं ही शासन राज सिंहासन लिया सवार, बजवा दिया युद्ध का डंका दुश्मन अब हो जा होशियार, बन गई वो चंड का भवानी लेकर हाथ ढाल तलवार, बन गई वो चंड का भवानी लेके हाथ ढाल तलवार। और महारानी वीरांगना अवंती बाई ने युद्ध का बिगुल बजवा दिया, हुआ क्या, मातृभूमि की रक्षा करने उठा लई रानी तलवार, टूट पड़ी सेना गोरन पे सबई हैं कड़ी दई निकार, तेग लड़ैया तेगन लड़ रहे बरछी से बरछी टकराए, तोप लड़ैया तोपन लड़ रहे बंदूकों की गिनती नाए, तोप लड़ैया तोपन लड़ रहे बंदूकों की गिनती नाए। हाँ, और देखिए आप महारानी वीरांगना अवंती बाई किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ रही हैं। अरे उड़ने लगे खून फुब्बारे गोरन की दई खाल पटाए, मार मार के करे मैनना रानी आगे बढ़ती जाए, रानी गरज रही है ऐसे जैसे जंगल गरजे शेर, दुश्मन की कर धई सी धुन की लगा दे लासन के ढेर, दुश्मन की कर धई सी धुन की लगा दे लासन के ढेर। ए झपट रही गोरन पे से जैसे लवा कबूतर खाए, रानी काट रही करवी सी और आगे खां बढ़ती जाए, जी में मार दे तलवार सो रुंड से मुंड अलग हो जाए, ठाड़े रहियो भगना जइयो जिंदा एक बचे गोनाए, ठाड़े रहियो भगना जइयो जिंदा एक बचे गोना। ए भागम भाग मची दुश्मन की, भागे अपने प्राण बचाए, जीत लिया सुहागपुर बिछिया नारायणगंज भी जीता जाए, गढ़मंडला पे किया आक्रमण बाडिंगटन को घेरा जाए, गढ़मंडला किले पे भैया अपनों झंडा दो लहराए, गढ़मंडला किले पे भैया अपनों झंडा दो लहरा। और देखिए आप महारानी अवंती बाई ने अंग्रेजी सेनापति, अरे अंग्रेज सेनापति भागा नाम था जिसका बाडिंगटन, रस्ते में ही उसे घेर लिया कहां भागता रे दुश्मन, बाल किया रानी ने उस पर दुश्मन ले गया पार बचाए, मगर लगी तलवार घोड़ा खो घोड़ा गिरा धरन पे जाए, मगर लगी तलवार घोड़ा खो घोड़ा गिरो धरन पे जा। और अंग्रेजी सेनापति के घोड़े को जब गिरा दिया
अरे बॉडिंगटन चरणों में गिर कर करने लगा वो हाहाकार। चरण पकड़ लए हैं रानी के, मुझको माफ करो सरकार। मेरी खता माफ कर दियो, जिंदा जस भूलूंगी ना आए। बड़ी दयालु थी महारानी, प्राण दान दे दिया भगाए। बड़ी दयालु थी महारानी, प्राण दान दे दिया भगा। महारानी अवंती बाई ने उसको प्राण दान दे दिया और छोड़ दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? अरे यहाँ की बातें यहीं छोड़ दो, अब आगे के सुनो हवाल। गावन गावन खुशियाँ छाई, रानी शासन रही सवाल। कुंवर अमान सिंह और शेर सिंह थे रानी के ए दो लाल। सब प्रजा खुश थी रानी से, रानी सबका रखती ख्याल। सब प्रजा खुश थी रानी से, रानी सबका रखती ख्याल। और देखिए आप, उधर वो पार्टिंगटन अपनी पराजय को ना भूल करके, अरे उधर फिरंगी बॉडिंगटन अपनी पराजय भूला ना। एक नारी से हार गया मैं, उसको हार सही ना जाए। मन ही मन बह लगा सोचने, कैसे बदला लूं चुकाए। बेसंदेश जबलपुर से अंग्रेजी सेना लई बुलाए। भेज संदेश जबलपुर से अंग्रेजी सेना लई बुला। आरुष अंग्रेज को मन ही मन ये चिंता लगी थी कि मैं एक नारी से हार गया, तो उसका बदला लेने के लिए उसने बहुत सेना बुलवाई। भारी सेना लेकर आया, दुश्मन तेरा बुरा हो जाए। गोरे होते दिल के कारे, रानी जिनको समझी ना आए। करी चढ़ाई राज रामगढ़, कैयक गाँव लिए हत्याए। महारानी के थे जो सैनिक, सब रेत तर बितर हो जाए। महारानी के थे जो सैनिक, सब रेत तर बितर हो जाए। और वो अंग्रेज जबलपुर से भारी सेना लेकर के आया, और इधर क्या हुआ? अंग्रेजों ने गढ़ मंडला विजय राधोगढ़ लिया छुड़ाए। बिछिया और सुहागपुर छीना, नारायणगंज भी लिया आए। भारी सेना अंग्रेजों की, तब रानी ने सोची जाए। अपने पास बहुत कम सेना, किला रामगढ़ छोड़ा जाए। अपने पास बहुत कम सेना, किला रामगढ़ छोड़ा जा। तब रानी ने विचार किया कि अपने पास बहुत कम सैनिक हैं, वो भी बेचारे किसान, यहां से चलना चाहिए। अरे वहां से चाली है महारानी, देवहारगढ़ पे पहुंची जाए। देवहार की पहाड़ी पे अपना उनने मोर्चा दिया जमाए। उधर दुश्मनों ने तोपों से किला रामगढ़ दिया गिराए। कुछ अपने ही गद्दारों ने महारानी को दिया बताए। अंग्रेजों को पता बता दिया, देवहारगढ़ घेरा जा। तो कुछ अपने ही गद्दारों ने महारानी का पता बता दिया, और वो सेनापति सेना लेकर के उस पहाड़ी पर पहुंचता है। सेना देखी जब दुश्मन की, तब रानी ने कहा सुनाए। अपने सब साथियों से बोली, भैया सुन लो कान लगाए। देश की खातिर लड़ो लड़ाई, चिंता करो जान की नाए। शान हमारी जाए न भैया, चाहे जान जाए तो जाए। शान हमारी जाए न भैया, चाहे जान जाए तो जाए। और महारानी ने जब सेना देखी चारों तरफ से घेर लिया, तो अपने सभी सैनिकों से कह दिया उन्होंने, अरे टूट
फूट पड़ी दुश्मन पे रानी लेके हाथ ढाल तलवार पीट रही दुश्मन खाए से जैसे लोहा कूटे लोहार काट रही गोरन खाए से जैसे काटे फसल किसान बहने लगी खून की नदियां सबरे दिख रहे खूना खान बहने लगी खून की नदियां सबरे दिख रहे खूना खान। और देखिए आप इस प्रकार से युद्ध हुआ महारानी डट कर किया सामना सबने तोपों और बंदूकों का तब जवाब सेना ने लड़कर गोरों की करतूतों का बचे बहुत कम सैनिक अपने वो भी अनपढ़ और किसान डट कर लड़े हार ना मानी मातृभूमि पर भय कुर्बान डट कर लड़े हार ना मानी मातृभूमि पर भय कुर्बान। और आगे क्या हुआ सुनिए आप। अरे रानी पे बंदूक चलाई गोली लगी पांव में आए घायल हो गई महारानी जब बाडिंगटन ने कहा सुनाए करो समर्पण मेरे आगे मैं तुमको मारूंगा नाय समझ लिया जब महारानी ने अब बस लड़ते बनता नाय समझ लिया जब महारानी ने अब बस लड़ते बनता नाय। जब महारानी घायल हो गई तो महारानी अवंतीबाई ने सोचा मातृभूमि को शीश नवाया धूरा मस्तक लई लगाए अंग्रेजों को नहीं झुकूंगी चाहे जान जाए तो जाए खेच कटारी लई हाथ में अपनी लई पेट में मार धरती माँ को खून से सींचा कर दे अपने प्राण न्छावर धरती माँ को खून से सींचा कर दिए अपने प्राण न्छावर। इस प्रकार से महारानी अवंतीबाई अपने प्राणों का बलिदान दे देती है।